सो गाइस सिंपली पहले आप सभी को करना है गाइस इस बैकग्राउंड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस अपने आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है एंड सिंपली इसको यहाँ पे आप सिंपली सेट कर लेना है। एंड गाइस मैंने बैकग्राउंड पहले से रेस कर रखा अपने मॉडल का, तो गाइस अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड को कैसे रेस करते हैं तो गाइस आप सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो के लिंक दे रखे एंड मैंने आप सभी को दोनों में उसमें मतलब दोनों वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है। आप चाहो तो उन वीडियो को देख के बैकग्राउंड रेस कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आप सभी को और भी वीडियोज मिल जाएंगी। तो गाइस आप बैकग्राउंड रेस कर लेना एंड सिंपली आप सभी को इस तरीके से यहाँ पर डन कर देना है, मतलब लगा देना है एंड सिंपली यहाँ से ऊपर डन वाले ऑप्शन से डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी का क्या काम रह जाता है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। सॉरी गाइस ऐड फोटो में नहीं जाना है, टूल्स में जाना है पहले गाइस, ठीक है। टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद गाइस एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस क्या करना है, आप सभी को ब्राइटनेस को जीरो कर देना है एंड इन्वर्ट कर देना है गाइस, ठीक है। एंड ब्रशेस में जाना है, ब्रशेस में जाने के बाद गाइस आप सभी को जूम करना है एंड अपने पैरों के नीचे शेडो क्रिएट करनी है गाइस, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से आप क्रिएट कर लेना जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, पहले हम दोनों पैरों के नीचे करना है तो इसको कर लेते हैं एंड यहाँ से सिंपली हम करते हैं डन। एंड गाइस इसको आपको इसकी ब्राइटनेस को रखना है गाइस 38 तक, ठीक है। एंड सिंपली करते हैं डन, ओके गाइस। सो उसके बाद जाना गाइस आप सभी को ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी पार्टिकल का पीएनजी मिलेगा गाइस, आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो पार्टिकल का पीएनजी आप डाउनलोड कर लेना। सो ये पार्टिकल का पीएनजी ले लिया एंड इसका सिंपली हम इसको करेंगे बड़ा, ठीक है गाइस। एंड इसको हम ब्लेंडिंग मोड रखेंगे इसका हम स्क्रीन, तो हम इसको स्क्रीन कर देंगे एंड सिंपली कर देंगे डन, ओके गाइस। सो अब इसमें हमारे रह जाता है कलर क्रिएशन, जो कि हम करते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। सिंपली हम ड्रॉ टूल में जाके फोटो करेंगे सेव एंड कलर क्रिएशन करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो फोटो करते हैं सेव एंड चलते बैक, ठीक है। सो गाइस अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि यार मैंने आप सभी के लिए यार इतनी मेहनत करी, यार मैंने बैकग्राउंड बनाया तो गाइस इस चक्कर में यार, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पर नया होता चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि यार रोजाना आप सभी को 2 से 3 वीडियोज देखने को मिल जाएंगी गाइस मेरे चैनल पर। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड फोटो को मैंने ऐड कर लिया गाइस, ठीक है। तो फोटो को ऐड करने के बाद ऑल फोटोज में जाना है, ऑल फोटोज में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने फोटो को ले लेना है, ठीक है। तो ये ऐड हो गई है मेरी फोटो, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, आपको जाना इस लाइट वाले ऑप्शन में जो आप सभी को दिख रहा होगा गाइस नीचे लाइट वाला, इसमें एंड गाइस इसके कॉन्ट्रास्ट को आप सभी को गाइस कम करना है, ओके गाइस। एंड शैडो को भी कम कर देना है एंड गाइस ब्लैक को भी कम कर देना है। तो गाइस चलना नीचे वाले टूल में एंड उसके बाद वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, मिक्स में जाना है गाइस, ये मिक्स वाले ऑप्शन में एंड रेड कलर के ह्यू को माइनस कर देना है एंड जाना ऑरेंज कलर में, ठीक है। तो सैचुरेशन को कम कर देना है, ल्यूमिनस को भी ल्यूमिनस को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जाना नीचे वाले टूल में गाइस, ठीक है। तो क्लियरिटी को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड विग्नेट डालना गाइस फोटो में, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस आप सभी को ग्रीन अमाउंट को बढ़ा देना है, ग्रीन अमाउंट को, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना गाइस, ठीक है। आई होप कि आप सभी को गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।